दोस्तों, हम इंसानों से अलग एनिमल किंगडम का भोजन चक्र बिल्कुल सटीक होता है। मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों का शिकार करते हैं और शाकाहारी जीव पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कई बार ये चक्र उल्टा घूमने लगता है। जब शिकारी को लगता है कि वो अपने शिकार को आसानी से दबोच लेगा और मारकर खा जाएगा, लेकिन तभी शिकारी ऐसा पलटवार करता है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हैं एनिमल किंगडम के कुछ ऐसे ही अमेजिंग एनकाउंटर्स को, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक और देखिए किस तरह कुछ जानवरों की भूल खुद उन पर ही भारी पड़ गई, वो भी कुछ ज्यादा ही। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स, वो खूंखार कुत्ते जिनका असल रूप अगर आपने असल जिंदगी में देख लिया तो यकीन मानिए आपको अपने ही कुत्ते से डर सताने लगेगा, क्योंकि 15 से 20 के झुंड में चलने वाले ये अफ्रीकन प्रजाति के जंगली कुत्ते अपने शिकार को इतनी भयानक मौत देते हैं कि इतना भयानक शिकार तो शेर भी नहीं करता होगा। ये सभी मिलकर घंटों तक शिकार को तड़पा तड़पा कर मारते हैं और शिकार की इस शैली और अपने झुंड के दम पर इनमें कई बार तो इतना कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि ये शेर को भी मार डालते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब इनका ये दांव उल्टा पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसा कि इस वीडियो में हुआ। इन कुत्तों को एक शेरनी और उसका बच्चा अकेले मिल तो गए, लेकिन इस मौके को ये कुत्ते भुना नहीं पाए और तो और ठीक ठाक नुकसान भी झेल गए, क्योंकि इससे पहले कि ये शेरनी पर हमला करते, शेरनी ने इनकी एकमात्र ताकत इनके झुंड पर हमला कर उस ताकत को एक झटके में ही तोड़ दिया। जब शेरनी ने झुंड में मौजूद एक कुत्ते को दबोच लिया और उसे इतनी बुरी तरह घायल किया कि बाकी सभी कुत्तों की सारी भोकाल धरी की धरी ही रह गई। तो कहीं साथी जैसी हालात इनकी भी ना हो जाए, इस डर से ये सभी कुत्ते शेरनी और उसके बच्चे को छोड़कर वहां से 9-2-11 हो गई। डक, क्या आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि ये बतख बाघ से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई? जी हाँ, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, जिसे देखकर डर भले ही ना सताए लेकिन बाघ की हालत को देखकर आपकी हंसी जरूर छूट जाएगी। ये सच्ची घटना ऑस्ट्रेलिया के एक जू की है, जब ये बाघ अपनी दादागिरी दिखाने के लिए बतख के पूल में कूद गया था, क्योंकि शायद बाघ ने सोचा भी खाने में तो बहुत देर है, चलो जब तक एक छोटा सा नाश्ता ही कर लिया जाए। लेकिन बाघ को ये नहीं पता था कि ये नाश्ता इसे कितना भारी पड़ने वाला है और इसे हासिल करने में इसके पसीने छूटने वाले हैं। बाघ जितनी भी बार बतख पर हमला करता, बतख तुरंत ही डुबकी लगा देती और पानी में तैरकर दूसरी जगह से निकल आती। ये सिलसिला करीब आधे घंटे तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी बाघ बतख का शिकार नहीं कर पाया और आखिरकार खिसियाकर पूल से बाहर ये कहते हुए निकला होगा कि वो तो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं शिकार नहीं कर पाया, वरना तो ये क्या ही है मेरे सामने। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस समय खिसियाते हुए इस बाघ के मन में क्या चल रहा होगा? एलिफेंट, हाथी बेहद शांत स्वभाव का जानवर होता है, लेकिन एक पागल हाथी क्या तांडव मचाता है ये तो आप अच्छे से जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि ये जानवर ऐसा कब करता है। जी हाँ, खतरे का आभास होने पर या किसी अन्य जानवर का हमला हाथी को कितना खतरनाक बना देता है इस वीडियो में देख लीजिए। जब इस मगरमच्छ को ये गलतफहमी हो गई कि ये हाथी की सूंड को अपने जबड़ों में फंसा लेगा तो हाथी इसके आगे हथियार डाल देगा, लेकिन इस मगरमच्छ को ऐसा सबक मिला कि शायद इसके बाद इसने जब भी शिकार किया होगा तो उससे पहले 10 बार इस हादसे के बारे में सोचा भी होगा कि कहीं इस हाथी की तरह ने कभी अपनी सूंड से इसे दिन में तारे दिखा दिए थे, कहीं ऐसा हादसा फिर दोबारा ना हो जाए। बेयर, वैसे तो बाघ और भालू कभी भी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते, लेकिन इनमें से अगर कोई भी एक दूसरे का रास्ता काटने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम कुछ इस तरह का ही होता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये भालू जो वैसे भी अकेले और शांति से रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये बाघ जो आज भोजन चक्र को तोड़ने की बेवकूफी कर बैठा जब इसने सोचा कि क्यों ना आज इस भालू को अपना शिकार बनाया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल अकेला था। लेकिन बाघ को ये नहीं पता था कि भालू अकेला जरूर है लेकिन कमजोर बिल्कुल भी नहीं। बाघ अभी इसकी तरफ बढ़ा ही था कि भालू ने बाघ को दौड़ा दिया और ये समझा भी दिया कि इससे पंगा लेना बाघ के लिए कितना भारी पड़ेगा। लेकिन जब बाघ को लगा कि एक ट्राई और की जाए तो वो फिर से भालू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तुरंत ही भालू ने फिर से एक बार बाघ को दौड़ा दिया और इस बार सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि इसके साथी को भी दूर तक खदेड़ दिया। क्रोकोडाइल वर्सेस पायथन, मगरमच्छ हो या फिर विशालकाय पायथन, ये दोनों ही जीव पानी में रहते हैं और इनका अपना अपना अलग अलग वर्चस्व होता है। दोनों ही बड़े से बड़ा जीव निगल लेते हैं और किसी को भी भनक तक नहीं लगती, लेकिन समस्या तब खड़ी होती है जब ये दोनों ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। इस लड़ाई में अक्सर ही ये देखा गया है कि जो भी पहले हमला करता है उसे हार का मुंह देखना पड़ता है और कई बार भारी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। अब इस वीडियो क्लिप को ही देख लीजिए, ये पायथन जो आज मगरमच्छ को निगल जाने के मूड में था उस पर हमला कर बैठा। पायथन ने हमला तो जोरदार किया था, लेकिन बदकिस्मती से पायथन का शरीर मगरमच्छ के जबड़ों के बीच में जा फंसा। उसके बाद तो पायथन के खुद के जान के लाले पड़ गए। वो तो भला हो मगरमच्छ का जो उसकी पकड़ कुछ सेकंड्स के लिए कमजोर पड़ गई और पायथन की जान छूट गई, वरना आज पायथन 2 पीस में घर जाता। हालांकि कभी कभार ऐसी भूल मगरमच्छ से भी हो जाती है जब ये पायथन को निगलने का जुगाड़ बना लेता है, लेकिन फिर पायथन जो पलटवार करता है और उसका क्या अंजाम होता है ये आपके सामने है ही। फ्लेमिंगो बर्ड,
अब इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इसे देखने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि इसमें दो पक्षी आपस में लड़ रहे हैं और एक बर्ड ने दूसरे बर्ड के सर पर अपनी चोंच रखी है, जिसके कारण इस दूसरे बर्ड के सिर से खून बहता दिख रहा है। इसी दौरान एक बेबी बर्ड दूसरे बर्ड के सिर से निकल रहे खून को पीने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हकीकत कुछ और ही है। दरअसल ये पक्षी फ्लेमिंगो बर्ड है और ये इन दोनों के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि अपने बच्चे को खाना खिलाने का इनका अपना तरीका है। और खून जैसा दिखने वाला ये रेड लिक्विड असल में क्रोप मिल्क है। एक फ्लेमिंगो बर्ड अपने पाचन तंत्र में क्रोप मिल्क का निर्माण करता है, जिसे आमतौर पर ये अपने बच्चे को पिलाने के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि जब फ्लेमिंगो बेबी छोटे होते हैं तो उस समय ये किसी भी प्रकार का ठोस भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसे में इनके माता पिता भूख से बचाने के लिए इन्हें क्रोप मिल्क पिलाते हैं, जिसमें प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा होती है। स्ट्राइक बर्ड। इस नन्ही सी चिड़िया को देखकर आपके मन में पहला ख्याल यही आएगा कि ये कितनी प्यारी है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ये खूंखार शिकारी भी है, जो अपने शिकार को पहले एक दर्दनाक मौत देती है और फिर कहीं जाकर उसका मांस खाती है। अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में पाई जाने वाली ये स्ट्राइक बेहद विचित्र है, क्योंकि पहले ये दूसरी चिड़ियाओं की आवाज निकाल कर उन्हें जाल में फंसा लेती है और फिर उन्हें मार कर खा जाती है। इसके मारने का तरीका भी इतना अजीब है कि पहले ये चिड़िया उन्हें घायल करती है और फिर उन्हें जिंदा ही कांटों में फंसा देती है, जिससे शिकार कहीं भाग ना पाए और तड़प तड़प कर मर भी जाए। इसके बाद भी ये बेरहम चिड़िया यही नहीं रुकती, बल्कि इसके शिकार कई कई दिनों तक इसी तरह कांटों में फंसे रहते हैं, जिन्हें ये मजे ले लेकर खाती है। और जिस जगह ये अपने शिकार को सूली पर चढ़ाती है वो इलाका भी इसी का हो जाता है। तो कहा था ना कि जानवरों का ऐसा बर्ताव आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। जैगुआर वर्सेज क्रोकोडाइल। ये वीडियो ब्राजील के पेंटानल वेटलैंड्स का है, जहां एक मगरमच्छ नदी के बीच में उभरे हुए टापू पर बैठा आराम फरमा रहा था, लेकिन उसे भनक तक नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे क्या चल रहा है। उधर एक जैगवार अपने शिकार की तरफ दबे पांव से धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए नदी में उतर चुका था। जैसे ही जगुआर उस टापू पर पहुंचा तो उसने अचानक मगरमच्छ पर हमला बोल दिया और एक ही झटके में अपने शिकार को दबोचकर उसे नदी से बाहर ले आया। ऐसे ही एक और वीडियो में जगुआर ने अपनी फुर्ती का सबूत दिया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे ये जगुआर अचानक पानी में तैर रहे मगर पर हमला करता है और पलक झपकते ही उसे मुंह में दबाकर बाहर ले आता है। यहाँ तो मगरमच्छ को ये समझने तक का टाइम भी नहीं मिला होगा कि आखिर उसके साथ अचानक हुआ क्या। अब मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये तस्वीर आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी और शायद अब तक ये समझ भी नहीं आया होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक रिवर ईल है जो बदकिस्मती से इस चिड़िया का शिकार हो गई। इसे चिड़िया ने निगल तो लिया, मगर इससे पहले कि ये चिड़िया के पेट में दम तोड़ देता इस ईल को आजादी मिल गई, क्योंकि चिड़िया की गर्दन के निचले हिस्से में एक ऐसा छेद मौजूद था जिसका रास्ता शरीर के बाहर को जाता था। ईल ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और उसमें ये कामयाब भी हो गई, और जब तक चिड़िया कुछ समझ पाती इससे पहले ही ईल 9-2-11 भी हो गई थी। ये हादसा न जाने किस घने जंगल के बीचों बीच आसमान के ऊपर हुआ होगा, जो शायद हमें कभी देखने को भी नहीं मिलता अगर किसी फोटोग्राफर ने इसे अपने कैमरे में कैद ना किया होता। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।